सरदार पटेल को लेकर बीजेपी अरसे से कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस अपनी ही गलती की वजह से सरदार पटेल को लेकर कुछ इस तरह से फंस गई है कि उसका जवाब देते पार्टी को बन नहीं रहा। मामला 31 अक्टूबर का है, जिस दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती थी। तब कांग्रेस और बीजेपी में पटेल को सबसे अधिक अपना बताने की होड़ सी दिखी। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर पटेल की उपेक्षा का आरोप लगाया, तो वाराणसी में प्रियंका गांधी की सभा में इंदिरा गांधी के साथ सरदार पटेल कटआउट भी नजर आया। अब एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस पर वार का एक और मौका मिल गया। ऑडियो 31 अक्टूबर का है, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपस में बात कर रहे हैं। इस दौरान सिद्धरमैया डीके शिवकुमार से पूछते हैं कि आज सरदार पटेल की जयंती है या पुण्यतिथि। डीके शिवकुमार बताते हैं जयंती है, तो सिद्धरमैया कहते हैं कि अगर मंच पर पटेल की फोटो नहीं लगी तो बीजेपी फायदा उठा लेगी। यानी कांग्रेस के नेता सरदार पटेल की फोटो इसलिए लगा रहे हैं ताकि बीजेपी इसका मुद्दा ना बना सके, राजनीतिक फायदा ना उठा सके। कांग्रेस के दो नेताओं के बीच की बातचीत और उस कार्यक्रम का जो ये वीडियो सामने आया, उसमें देखा जा सकता है कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की बातचीत के बाद मंच पर सरदार पटेल की तस्वीर लगाई जाती है और उस पर माल्यार्पण भी किया जाता है। पर सवाल ये है कि जिस सरदार पटेल ने भारत को अखंड रूप दिया, अलग अलग रियासतों को जोड़कर एकजुट भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया, उस सरदार पटेल को कांग्रेस महज बीजेपी के डर से याद कर रही है। प्रियंका वाड्रा की सभा में अगर सरदार पटेल के कटआउट लगे तो क्या उसके पीछे बीजेपी का डर था? और एक सवाल ये कि कांग्रेस महान नेताओं का सम्मान क्या बीजेपी के डर से करती है? रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।